हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। ये बताइए सर, आप थाना सिकरहरा क्यों आए हैं, क्या समस्या है? समस्या है सर, जो है हमारा एक पड़ोसी है दशरथ विश्वकर्मा, वो गांजा दारू पीता भी है सर, बिजनेस भी करता है। वो हमको जब से जमीन लिया हूँ, आज 3-4 साल हो गया रहते हमको भोइला में, तब से सर ईटा पत्थर से मार के मेरा पत्रा तोड़ डाला। अच्छा, मेरी आपका मतलब वहाँ आप रहते हैं जमीन? हाँ, और मेरा पत्रा तोड़ डाला, दीवार तोड़ डाला सर। जो है हमें, मेरी औरत जो है सुबह खेत बाड़ी बाहर कहीं भी जाती है, उसको घेरबंदी हमेशा लगा हुआ है। अच्छा। हम बाजार मार्केट कहीं जा रहे हैं तो गुंडा लगा के हमेशा हमको मरवाने के लिए लगा है। एक बार दौड़ा के मेरी बाइक तोड़ डाला था, दो चक्के गाड़ी सर, हम कर्जे पे लिए थे, लोन पे लिए थे, अभी तक लोन नहीं पूरा हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी का दशा देख लीजिए क्या कंडीशन में हो गया सर। गाड़ी भी इतना दबंग है? हाँ, थाने पे दौड़ा के, थाने पे सर 100 बार आ चुका हूँ, बहुत एप्लीकेशन लिया हूँ सर। अच्छा, और हाँ। आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ कुछ लेन देन की वगैरह काम नहीं होता? चौकी वाले हैं सर, जो है मेरा चौकी में लगता है, जो है वो पैसे के लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा। थाने पे आते हैं सब, पैसे बोलते हैं, पैसे अगर नहीं देंगे सर हमारी सुनवाई नहीं होगी, बोलते हैं तुम ऐसे दौड़ते रहो, कोई भी पत्र आएगा मेरे ही पास, हम देख लेंगे तुम्हारा। हाँ, आपको कब से समस्या हो रही है? ये समस्या सर आज 2-3 साल हो गया हमको, यही समस्या सर बनी हुई है। जमीन कितना खरीदे थे आप? 5 डिसमिल सर। 5 डिसमिल खरीदे थे, लेकिन जमीन तो आपके नाम हो गई? हाँ, जमीन सर नाम भी हो गया है, जमीन में हम काबिज भी हैं, मुकदमा भी किया था सर, उसका पैसा दे के हमने तरमीन भी करा लिया, खतौनी भी मेरा दर्ज हो गया है जमीन में सर, उसका हमारा कोई भी बात नहीं है, बाउंड्री भी हो गया है, और दूसरी साइड में हम मुहार बनवा के रह रहे हैं, उसके साइड भी नहीं निकाल रहे हैं, उसका पिछवाड़ पड़ता है सर, लेकिन जबरदस्ती वो आबेद पूरी जमीन को कब्जा भी किया है, और उसी कब्जे के वजह से हमको रात दिन वहाँ हरकत करके भगाना चाह रहा है। अच्छा। कि यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे सर। मेरी औरत को 2-3 बार मारा सर, मेडिकल भी बना, मेरा एक NCR भी दर्ज हुआ था, लेकिन आज तक कोई उस पर कानूनी कार्रवाई आज तक सर नहीं हो पाई। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भोइला, थाना सिकरहरा, जिला जौनपुर। अच्छा, तो ये मतलब आपको समस्या काफी दिनों से हो? हाँ, रहा काफी है। दिनों से हो रहा है सर। तो आप कई बार थाने पे आए हैं? हाँ, तो आपका हाँ, सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, मेरा एप्लीकेशन से जांच लीजिए सर, मेरा डेट देख लीजिए, कितना दिन से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ। अच्छा, हमारे न्यूज के माध्यम से आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी सुनवाई होना चाहिए, हमारी गरीब को सहायता होना चाहिए सर, हमारी सहायता। वो ऐसा मेरा टीना शॉट तोड़ देगा, दीवार तोड़ देगा, हम कहाँ से बार बार बनवाएंगे सर? कब तोड़ा आपका, ये घटना कब हुई? ये घटना हुआ है सर, आज हो गया 2 महीने से। 2 महीने? हाँ। तो अभी जो टूटा फूटा था अभी तक पड़ा हुआ है सर, वैसे ही मेरा पत्रा दीवार सब पड़ा हुआ है सर। आपने 112 नंबर पुलिस बुलाई? हाँ, पुलिस भी सर बुलाया था, और 1076 पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में सर बहुत बार सूचना दिया। कार्रवाई हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1076 वाले बोलते हैं कूचे लेवल अधिकारी को भेज देंगे, लेकिन दरोगा हमारे खिलाफ में, हमारे यहाँ जांच करने आज तक नहीं गया, लेकिन रिपोर्ट हमारे खिलाफ में लगा दिया। क्या, कौन है दरोगा? दरोगा सुरेश कुमार थे, भीलमपुर चौकी के। अच्छा, हाँ, हाँ, आप वहाँ आपका चौकी? हाँ, पड़ता है? हाँ, हाँ, हमारा चौकी पड़ता है सर। जो है मेरा एप्लीकेशन में जितना है सब मेरे विरुद्ध रिपोर्ट लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ आज तक जांच करने नहीं गया, रिपोर्ट लगा दिया। पड़ोसी को बाजार में मैं देखता हूँ सर, बगल में बैठा के वो नाश्ता करता है, चाय पीते हैं सब लोग। जो है कौन पीता है चाय? दरोगा और पुलिस लोग जो है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, हाँ, सब साथ में उसके रहते हैं। कौन सा चौकी है आपका? भीलमपुर चौकी है सर। अच्छा, भीलमपुर चौकी। हाँ, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम भोइला।